सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट 23 जून को रिलीज हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म विदेश में 1200 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज से पहले ही एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिससे शाहरुख खान और आमिर खान भी पीछे रह गए हैं। बता दें कि सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट को फ्रांस में 7 सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए फ्रांस में इतनी ज्यादा संख्या में सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज किए जाने का आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ इसे विदेश में 1200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है, जो कि विदेश में रिलीज होने वाली तीनों खानों की फिल्मों में से ये अब तक की सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली फिल्म बन गई है। खबर है कि ट्यूबलाइट को देश दुनिया के कुल 5550 सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अब तक भारत की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली 2 को ही सबसे ज्यादा थिएटर में एक साथ रिलीज किया गया था। यह संख्या कुल 9000 सिनेमाघरों की थी, जिसमें भारत में 6500 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।